जो आपके जहन में है, नए इनोवेशन जिससे समाज को फायदा हो। तो ऐसे आइडिया बच्चों से लिए हमने, तो उसमें हमारे स्कूल से पांच बहुत सारे आइडिया आए, लेकिन हमने उस हमारी गुलाम सेहान गुलाम अली फर्स्ट एड किट में जितने भी चीजें रहती हैं वो ये लेकर अपना ड्रेसिंग पट्टी कर सकते हैं, हॉस्पिटल जा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अली की आवाज़ इस चैनल पे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग हमेशा से कई जगह जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और ख़ास तौर पर आंखों से जुड़े हुए सीजनिंग इशूज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट टूट टूट कर भरा है, मगर उसे उभारने की और संवारने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आकोट और आकोट के धरती पर कई सारे बच्चे और अपने टैलेंट को बता रहे हैं, इसी में एक कड़ी जुड़ती हुई आकोट के प्लॉट इलाके के अंदर एक बच्चा जो मात्र बहुत कम उम्र के अंदर उसने वो कारनामा करके दिखाया जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, ये भी जानेंगे। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा इस बच्चे ने जो बीट किया है वो करीबन 1500 से ज्यादा बच्चों को बीट करके वो बच्चे ने ये जगह हासिल की है। तो उसने क्या किया है, किस तरीके से किया, ये सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर जाने की कोशिश। चलिए चलते अंदर की तरफ। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। हमारे स्कूल से इंस्पायर अवार्ड के लिए हमारे स्कूल के एक तालिब इल्म का नाम सिलेक्शन हुआ है, जो उसने टूल किट बनाया है उस पर फर्स्ट इनाम मिला है। और इसके अलावा पीआरसी से हमारे दिव्य मैडम यहाँ पर मौजूद है, उनको तहरीक और प्रेरणा देने के लिए वो हमारे स्कूल में तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें वेलकम उनका स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के एच एन जनाब अस्कन खान साहब उनका स्वागत करें। गुनाहे हकीकत दी इसी तरह हमारे स्कूल के छाड़ा व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत हमारे असलम खान साहब। और इसके अलावा यहाँ पर नगर परिषद के सदस्य जनाब मोहम्मद आकिल पटेल साहब भी हैं, मौजूद है, उनका भी स्वागत हमारे असलम खान सर। इसके अलावा हमारे शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य नायब सदर जनाब गफूर शाह साहब यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत मैं अजीम सर। और इस जो बच्चे को इंस्पायर अवार्ड के लिए सिलेक्शन किया गया उनके वालिद शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य भी है, मैं चाहता हूँ गुलाम अजीज साहब का स्वागत खालिद सर। इसके अलावा शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य जनाब जमीर साहब यहाँ मौजूद है, उनका स्वागत अल्ताफ सर। इसके अलावा हमारे शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य गफूर भाई यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि उनका इस्तकबाल मजबूत कर।
आइए इसके बाद आज की जो महफिल यहाँ सजाई गई है, जिस बच्चे को प्रेरणा देने के लिए पीआरसी से मोहतरमा विजय मैडम यहाँ पर तशरीफ लाई है, मैं चाहता हूँ कि विजय मैडम उस बच्चे का स्वागत और सत्कार करें। तो दोस्तों हमारे साथ ये बच्चा सेहान, गुलाम सेहान, गुलाम अजीज यहाँ पे मौजूद है, जो सेवन क्लास सातवीं क्लास का बच्चा है। उसने वो करके दिखाया है जो शायद बड़े बड़े साइंटिस्ट के भी दिमाग में नहीं आया था, और इस पर पूरी हम लोग बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे बनाया, इसका कैसा यूसेज है। सेहान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले सेहान ये बताइए क्या चीज़ है। यह है फर्स्ट एड टूल किट, इसके साथ में पर्पल फार्मिंग फूल किट। अच्छा, मतलब ये खेती के काम में आता है। अच्छा, तो इसमें कैसे क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इसकी मिट्टी हमने निकाल ली है। अच्छा, निकाल के बताइए, एक निकाल के बताइए, इधर निकाल के बताइए। हमने इसमें मतलब आपने इसके इसकी जो अपनी लकड़ी की मुट्ठी आती है, इसके बजाय आपने इसका पाइप का इस्तेमाल किया है, और उसके अंदर ये फर्स्ट एड किट जो होती है वो डाली। इसका इसके पीछे का कारण क्या था, मतलब क्या वजह बनी? हमारे अब्बू कार्टून मार्केट में काम करते। अच्छा, तो उनके हाथ को जख्मी लग गई थी, तो अच्छा खासा खून बह गया था। अच्छा, तो हमारे दिमाग में आया कि हमारे स्कूल में तो फर्स्ट एड बॉक्स रहता, लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, तो मैंने उसके मुट्ठी को तोड़कर उसके खोखला लोहे का पाइप लगा कर उसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया। मतलब आपके पापा को जो तकलीफ हुई है आने वाले वक्त में, दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल करते हुए आपने ये चीज को मतलब बनाया, किससे इंस्पायर हुए आप? बराबर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपको किस किस ने मदद की थी? हमारे सर ने जी, 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 हमारे अब्बू ने जी। आपके सर का नाम बताइए। मोहम्मद अजीम सर। मोहम्मद अजीम सर। इसके अलावा आपके स्कूल के दूसरे टीचर्स ने भी आपको पूरा मतलब सपोर्ट किया था। कितना वक्त लगा था बेटा इसको बनाने में? ज्यादा वक्त नहीं लगा, मतलब फिर भी जो थोड़ा बहुत वक्त लगा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा आपके सर से भी बात कर लेते हैं। अजीम सर, आपसे जानना चाहेंगे, सियान ने आपके बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, कैसे है पढ़ाई के अंदर सियान? सेहान पढ़ाई के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, और यहाँ पर जो इंस्पायर अवार्ड है, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उसके बारे में आपको मालूम बता दूँ ये क्या चीज़ है। तो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है जिसमें बच्चों में साइंसी रुझान पैदा हो, नए आइडिया उनके जहन में आए, उनको मोटिवेट करने के लिए केंद्र सरकार से इंस्पायर अवार्ड की एक स्कीम चलाते हैं, और उसमें अच्छी अच्छी खासी स्कॉलरशिप वो बच्चों को देते हैं। तो उसमें ऐसा रहता है कि सबसे पहले वो स्कूलों को इन्फॉर्म करते हैं कि आप बच्चों को मार्गदर्शन करो, इस इंस्पायर अवार्ड के ताल्लुक से मालूमात दो, वो मालूमात बच्चों को देना है, और मालूमात देने के बाद में बच्चों को हमने आइडिया दिए, पूरा मालूमात दिए, और उनको बताया कि इस स्कीम के तहत आप में कुछ नए आइडिया जो आपके जहन में, नए इनोवेशन जिससे समाज को फायदा हो, तो ऐसे आइडिया बच्चों से लिए हमने। तो उसमें हमारे स्कूल से पाँच बहुत सारे आइडिया आए, लेकिन हमने उस हमारी टीम ने इस स्कूल से पांच आइडिया का सिलेक्शन किया, और उस पांच आइडिया का सिलेक्शन करने के बाद में इंस्पायर अवार्ड की जो नॉमिनेशन फॉर्म था, उस नॉमिनेशन फॉर्म को हमने फिलअप किए। अच्छा, तो उसमें सेहान का भी आइडिया था, और ये जो आइडिया है, अच्छा, तो इसका आइडिया है मल्टीपर्पज फार्मिंग टूल किट। अच्छा, इसमें ऐसा किसान जिरात जो है हमारे मुल्क का अहम पेशा है, जिरात से हमें बहुत सारे खाम माल और बहुत सारी चीजें मुहैया होती है। किसान खेतों में काम करते हैं, तो काम करते वक्त उन्हें बहुत जख्म वगैरह लग जाती है, तो उनको जो जख्म लगती है, तो अगर वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह नहीं रहा तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो ये जो बच्चा है, इसके वालिद कॉटन मार्केट में मजदूरी करते हैं, तो हमने जब आइडिया दिए बच्चों को कि आपको नया इनोवेशन होना जिसमें समाज को फायदा हो, ऐसे आइडिया का बच्चों को मार्गदर्शन किए थे।
तो उसमें ये मार्गदर्शन करने के बाद में इनके जहन में आया कि इसके पापा कॉटन मार्केट में मजदूरी करते हैं, तो उनको जख्म लग गई थी। वो जख्म लगने की वजह से वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स हो सकता है उस वक्त नहीं मौजूद होगा। वो मौजूद नहीं होने की वजह से उनका अच्छा खासा खून ब्लीडिंग हो गया, खून बह गया। अभी उसने सोचा कि अपने स्कूल में जब जख्म लगती है बच्चों को कुछ होता है तो फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद रहता, लेकिन ये फार्मर हो गए या मजदूर हो गए तो इनके पास में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहता। तो इन्होंने आइडिया दिया कि सर अगर ऐसा करते हैं अपन कि उनके जो औजार है उन औजारों में अगर फर्स्ट एड किट रख दिए तो कैसा रहेगा। तो ये आइडिया पर हमने चर्चा की, हमारी टीम ने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में इसका जो नॉमिनेशन फॉर्म था वो नॉमिनेशन फॉर्म तैयार किए, और उसका नॉमिनेशन फॉर्म करने के बाद में सिनॉप्सिस वगैरह तैयार किए, और तैयार करने के बाद में इंस्पायर अवार्ड की जो साइड है उस पर नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। तो ये कितने अलहमदिल्ला उसमें कितने कितने रुपए के का? तो इस इंस्पायर अवार्ड का इस तरह है कि डिस्ट्रिक्ट, पहले तो सब स्कूलों को फॉर्म भरना पड़ता है, इसमें छठी क्लास से लेकर बारहवीं क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक स्कूल से 5 फॉर्म भरना पड़ता है, तो नियर अबाउट पूरे जिले में अपने तालुके में जितने स्कूल होंगे तो उसमें से हर स्कूल से 5 फॉर्म भरे गए। तो हमारे स्कूल से भी 5 फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें एक आईडिया हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये हमारा सिलेक्शन जो हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने तालुके में आकोट तालुके में जितने भी स्कूल है उसमें से 5 आइडिया का सिलेक्शन, 4 आइडिया का सिलेक्शन हुआ, तो 4 में हमारा नंबर लग गया। उर्दू में माशाल्लाह हमारी जो स्कूल है और हमारे स्कूल का ही बच्चा है सेहान, तो ये इसका सिलेक्शन हो गया। इसमें ये सिलेक्शन होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब एग्जीबिशन होगा तो हमारा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए और बच्चे को स्कॉलरशिप, ये नियर अबाउट हमें 10,000 रुपये बच्चे के खाते में गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ये बताइए ये स्कॉलरशिप मिल गई, आगे आपका इसको पेटेंट करने का इरादा है? आगे चाहेंगे कि सरकार अलहमदिल्ला अभी तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेमोंस्ट्रेशन करेंगे और इंशाल्लाह अगर हमारा स्टेट लेवल पर सिलेक्शन होता है, अगर वहाँ हो गया तो उसके बाद में इंशाल्लाह हम पेटेंट कर सकते हैं, तो मार्गदर्शन लेंगे गवर्नमेंट से। और उसके बाद में मार्गदर्शन, हमारे मार्गदर्शन यहाँ मौजूद है, तो मार्गदर्शन लेने के बाद में हम उसके पेटेंट करेंगे। अच्छा, मैम से 2 मिनट बाद। ये बच्चे का जो प्रोजेक्ट है, जो आइडिया है, तो ये फार्मिंग टूल किट, मल्टीपर्पज फार्मिंग टूल किट विद फर्स्ट एड बॉक्स, तो ये किसान का औजार है। इस औजार में हमने क्या किए कि दराती है, दराती में एक जो उसकी मुट्ठी थी वो मुट्ठी निकाल कर एक खोखला पाइप लिए, लोहे का पाइप लिए, और वो खोखले पाइप में एक बाहर बूश लगाए, और ये कैप के इस, अगर इसे किसान को काम करते वक्त जख्म लग जाती है, कुछ नुकसान होता है, तो वो ये जो औजार है, औजार में हमने फर्स्ट एड किट्स रख दिए। उसमें ये कैप निकाल के अगर जख्म लगती है किसान को, तो ये कैप निकाल के वो इसमें से मरम पट्टी और इस तरीके से ये ट्यूब और बैंडेज पट्टी वगैरह, फर्स्ट एड किट्स में जितने भी चीज़ें रहती हैं वो ये लेकर अपना ड्रेसिंग पट्टी कर सकता है, हॉस्पिटल जाने तक कि उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट्स ये उसके टूल किट में किसान के मौजूद रहेंगे। ये आइडिया था हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका सिलेक्शन हो गया। इसी तरह ये टूल किट में कुड़ाड़ी, खुरपा और फावड़ा वगैरह, इसमें भी हमने ऐसे किए, खोखला पाइप लगाया, खोखला पाइप लगाने के बाद में इसको कैप लगा दिया और इसमें फर्स्ट एड किट ऐड कर दिए। ये जहाँ ये भी है इसमें भी फर्स्ट एड किट ऐड कर दिए, और ये फावड़ा है, फावड़े में भी फर्स्ट एड किट ऐड उसमें रख दिए हमने कैप लगा के, अगर किसान को नुकसान होता है तो इसका इस्तेमाल करके उससे फायदा होगा।